भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े बीजेपी के भीष्म पितामह सुषमा और नितिन गडकरी ने की मनाने की कोशिश। आडवाणी ने कहा, हमारी इच्छा का भी सम्मान करे पार्टी। आडवाणी को लेकर मोदी ने की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। मोदी ने कहा, आडवाणी के गांधीनगर से बाहर लड़ने से जाएगा गलत संदेश। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट। वाराणसी के अलावा गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे मोदी, तो मथुरा से हेमा मालिनी जबकि डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को मैदान में उतारा। वाराणसी सीट पर नया ट्विस्ट। सूत्रों से खबर, मोदी के खिलाफ दिग्विजय सिंह लड़ सकते हैं चुनाव, तो वहीं बीएसपी सतीश चंद्र मिश्र को बनारस से बना सकती है उम्मीदवार। बीजेपी नेता अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर लगाई मोहर। गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी ने जेठानी सोनिया पर बोला बड़ा हमला। कहा, दहेज में एक रुपए भी नहीं लाने वाली कैसे बन गई दुनिया की छठी सबसे अमीर महिला। हरियाणा की मंत्री किरण चौधरी की हालत स्थिर। काफले पर पत्थर से हमले में लगी थी चोट। बेटी के चुनाव प्रचार करने गई थी किरण चौधरी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज हो सकती है बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बाकी उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हिमाचल दौरा। आज धर्मशाला में पूर्व सैनिकों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के दौरे पर आज जाएंगे मोदी। वर्धा में रैली को करेंगे संबोधित, तो यवतमाल में किसानों के साथ चाय पर करेंगे चर्चा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज मुजफ्फरनगर में करेंगे रोड शो। करीब 3 बजे केजरीवाल पहुंचेंगे रोहाना। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता विजय कुमार गावित की बेटी हिना गावित बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी ने हिना को नंबूरदार से बनाया उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर, एनसीपी ने की विजय गावित को चव्हाण मंत्रिमंडल से हटाए जाने की अनुशंसा। कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल। समाजवादी पार्टी से तोड़ा था नाता। कांग्रेस के पूर्व सांसद जगदम्बिका पाल को बीजेपी ने डुमरियागंज से दिया टिकट। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता मधु किशोर ने दर्ज कराई शिकायत। योगेंद्र यादव पर लोगों की भावना भड़काने की कोशिश का आरोप। मुंबई की शक्ति मिल गैंगरेप में आज आ सकता है फैसला। खाली पड़े मिल कंपाउंड में दरिंदों ने टेलीफोन ऑपरेटर के बाद महिला फोटो जर्नलिस्ट से किया था गैंगरेप। दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री के ज्वाइंट डायरेक्टर जेएस भिंड पर नाबालिग ने लगाया छेड़खानी का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में 22 साल की एक महिला से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला मंदिर के पास अचानक लगी भीषण आग। श्रद्धालुओं के लिए रोकी गई आवाजाही। आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को भेजा नोटिस। होली के मौके पर 35,000 फीट ऊपर हवा में फिल्मी गाने की तर्ज पर डांस। क्रू मेंबर ने यात्रियों के मनोरंजन के लिए किया था डांस। और T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 20 रनों से हराया। विराट के 74 और रैना के 54 रनों की बदौलत भारत ने बनाए थे 178 रन।